Hello students, today we will discuss William Shakespeare's a very famous poem, Seven Ages of Men. In this poem, the poet says that a man has to lead seven types of different ages in his whole lifespan. What are the ages? Let's discuss. All the world's a stage, सारी दुनिया एक स्टेज है and all the men and women merely players, players यानी रंगमंच पर नाटक करने वाले लोग. फिल्म शेक्सपियर कहता है कि ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और सभी दुनिया के लोग, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, वो इस रंगमंच पर अपनी अदाकारी को करने वाले लोग हैं. They have their exits and entrances. Exits यानी जाना, entrances यानी आना. यानी God ने सभी का कब इस स्टेज पर आना है और कब इस स्टेज से जाना है सब कुछ डिसाइड कर रखा है. कहने का मतलब कब इस दुनिया में वो आएंगे और क्या रोल प्ले करेंगे और जब रोल ख़त्म हो जाएगा तो कब इनको वहाँ से जाना है, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है. And one man in his time plays many parts. Parts यानी role. एक आदमी को अपने एक जीवन काल में बहुत सारे role अदा करने पड़ते हैं. His acts being seven ages. और इसके इन्हीं acts को हम seven ages में बांट सकते हैं. सबसे पहली age कौन सी है? At first the infant. Infant यानी बिल्कुल छोटा बच्चा, newborn baby, शिशु. Mewling. म्यूलिंग यानी बिल्ली के जैसे पतली आवाज़. एंड प्यूकिंग यानी वॉमिट करना, उल्टी करना, इन द नर्सेज आर्म्स. जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो बिल्ली के बच्चे के जैसे पतली सी आवाज़ निकालता है और एक प्रकार की उल्टी करता है नर्स की हाथों में. देन द विनिंग स्कूल बॉय. विनिंग यानी खुश. और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाने लायक हो जाता है विद हिज सैचल यानी बैग, बस्ता. And shining morning face. और shining यानी चमकदार. उन बच्चों के, स्कूल जाने वाले बच्चे जो होते हैं उनके चेहरे पर एक चमक होती है. Creeping यानी धीरे धीरे चलना, like snail. Snail घोंगे को कहते हैं, जो जलीय जीव है एक. Unwilling यानी जाने का इच्छुक ना होना. To school. अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका चेहरा सूर्य की रोशनी के समान चमक रहा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहे हैं. और इसके बाद एंड देन द लवर. और इसके बाद वो एक लवर हो जाते हैं, यानी थोड़े बड़े हो जाते हैं. शाइनिंग चमकना, लाइक फर्नेस यानी भट्टी. जैसे भट्टी के अंदर चमक होती है, जोश होता है, ऐसे ही इस एज के बच्चों में जोश आ जाता है भट्टी के जितना. विद अ वोफुल बैलेड्स, लव पोइट्री या लव सॉन्ग. बैलेड यानी सॉन्ग या लिरिक, वोफुल यानी लव. मेड टू हिज मिस्ट्रेस यानी गर्लफ्रेंड. आईब्रो से मतलब यहाँ ब्यूटी. और वो इस एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें रोमेंस करना ज़्यादा पसंद होता है और वो लव पोइट्री में ज़्यादा खोई रहते हैं. वो पोइट्री जिनमें उनकी प्रेमिकाओं की सुंदरता का वर्णन हो. देन ए सोल्जर. उसके बाद एक एज आती है जब वो सोल्जर हो जाते हैं, सैनिक बन जाते हैं. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स यानी कस्में, वादे. एंड बियर्डेड यानी दाढ़ी, लाइक ए पार्ड यानी तेंदुआ. और जब वो बड़े हो जाते हैं, सोल्जर बन जाते हैं, तो वो तरह तरह की ओथ्स यानी कस्में खाते हैं. क्या कस्में खाते हैं? कि किस तरह से हमें अपने समाज को चलाना है, किस तरह से हमें अपने परिवार को चलाना है. और उनकी दाढ़ी जो होती है वो पार्ड यानी तेंदुओं की मूछों के समान होती है, एकदम कड़क. जेलिस यानी ईर्ष्या करना. इन ऑनर यानी सम्मान. सडन यानी अचानक. एक क्विक इन क्वारल यानी बहुत जल्दी क्वारल यानी लड़ लेते हैं. सीकिंग यानी ढूंढना. द बबल यानी झूठी रेप्यूटेशन, दिखावा. इस उम्र के जो लोग होते हैं वो झूठे दिखावे में बहुत विश्वास करते हैं और अपने सम्मान के लिए, अब वो चाहे सम्मान झूठा ही क्यों ना हो, पल दो पल का क्यों ना हो. बबल रेप्यूटेशन से मतलब झूठा सम्मान, पल या दो पल का सम्मान. उसके लिए वो बहुत ही सडन और क्विक डिसीजन लेके लड़ भी लेते हैं, क्वारल कर लेते हैं. इवन इन द कैनन माउथ. कैनन माउथ यानी तोप के मुंह पर. कहने का मतलब मरने से भी नहीं डरते.
एंड देन द जस्टिस, उसके बाद एज आती है जस्टिस यानी न्यायाधीश की, इन फेयर राउंड बैली, फेयर राउंड बैली, बैली मतलब तौंद, बड़ी सी गोल तौंद हो जाती है, ये मिडिल एज की बात कर रहा है इसमें शेक्सपियर, विद गुड कैपॉन, मुर्गी या मुर्गे, लाइंड विद आईज, सीवियर यानी अनुभव वाली, एंड बियर्ड यानी दाढ़ी, और फॉर्मल कट यानी बिना फैशन के। जब वो मिडिल एज में आता है तो उसकी तौंद निकल जाती है, तौंद इसलिए निकल जाती है क्योंकि वो उसके पेट में बहुत सारे मुर्गे यानी खा खा के उसकी तौंद बड़ी हो जाती है, और आँखों में गंभीरता आ जाती है, सीवियरनेस आ जाती है, और उसकी दाढ़ी जो कि पार्ड के जैसे थी, फैशन की थी, अब वो फैशन के प्रति इतना सजग नहीं है, फॉर्मल कट हो जाता है उसका दाढ़ी का। फुल ऑफ वाइज सॉज यानी विचार, वाइज यानी बुद्धिमत्तापूर्ण, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी कि उदाहरण, अब उसके जीवन में बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाता है वो मिडिल एज तक आते आते। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपने जीवन का जो भी रोल है वो प्ले करता जाता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, और इस प्रकार से छठी एज चलती है इनटू द लीन यानी पतला, एंड स्लीपर्ड यानी चप्पल वाला, पेंटलून यानी हास्य कलाकार या हम जोकर भी कह सकते हैं। सिक्स्थ एज में आते आते एक मनुष्य एकदम पतला दुबला यानी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है इंसान, उसमें वो एकदम पतला हो जाता है, और देखो फैशन की तरफ से वो बिल्कुल मुंह मोड़ लेता है, चप्पलों में आ जाता है। विद स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, और नोज चश्मा चढ़ जाता है उसकी आंखों पर, एंड पाउच यानी झोला ऑन साइड, और उसके कंधे पर एक झोला लटका लेता है वो। हिज यूथफुल हॉर्स यानी कपड़े, पैंट पजामे ट्राउजर्स, वेल सेव्ड यानी बचाए हुए यानी रखे रहते हैं। अब उसके जो यंग एज में जो कपड़े थे, फैशनेबल जो कपड़े थे, अब वो यूं ही रखे हुए हैं, बचे हुए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक तो फिज़िकली कमज़ोर हो गया है, अब वो कपड़े उसके आते नहीं हैं, ढीले ढाले हो गए हैं। दूसरा, फैशन के प्रति भी अब वो, मॉडर्निज्म के प्रति भी अब वो लापरवाह हो चला है क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया है। ए वर्ल्ड टू वाइड, वाइड यानी बड़ा, अब ये दुनिया उसे बहुत बड़ी दिखती है। फॉर ए श्रंक शैंक यानी उसके कंधे और घुटने झुक चुके हैं, एंड इज बिग मैनली वॉइस यानी मर्दाना उसकी आवाज़ जो है, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स यानी बच्चों जैसी हो गई, मर्दाना आवाज़ जो है वो बच्चों जैसी हो गई। देखो बूढ़े लोग जो होते हैं वो ज़्यादा जोश के साथ नहीं बोल पाते, ना ही उनकी इतनी तेज़ आवाज़ निकलती है, इसलिए पॉइंट नहीं सका है। एंड विसल्स यानी सीटी इन ए साउंड, यूँ लगता है जैसे उसकी आवाज़ में एक सीटी की सी आवाज़ आती है, यानी आवाज़ धीरे और पतली हो जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और अंत में क्या होता है, अंत में इसके बाद जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो जो उसने इतिहास रचा था अपनी यंग एज में वो ख़त्म होने को आता है। इन सेकेंड चाइल्डनेस एंड मियर ऑब्लिवियन यानी भूलना, चाइल्डनेस यानी कि बचपन, सेंस यानी नथिंग, टीथ सेंस, आईज सेंस, टेस्ट सेंस, एवरीथिंग, कहने का मतलब बुढ़ापे को विलियम शेक्सपियर ने दूसरा बचपन कहा है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ भूल जाता है, ना तो उसके मुंह में दांत होते हैं, ना नज़रें इतनी अच्छी होती, क्योंकि देखो नज़रें अच्छी होने से मतलब आई साइट वीक हो जाती है, वो अच्छे से देख नहीं पाता है। सेंस टेस्ट यानी कि बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा चटपटा और ऐसा खाना नहीं पसंद होता है जो यंग एज में हम लोग पसंद करते हैं, जैसे कि यंगस्टर्स जो होते हैं वो पिज़्ज़ा बर्गर तला भुना ये ऐसी चीज़ें जो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन्हें कुछ भी दे दो, सादा खाना दे दो, उसमें ही वो खुश रहते हैं। सेंस एवरीथिंग यानी हर चीज़ से वो हाथ धो बैठते हैं, कहने का मतलब किसी चीज़ का उनका ज्ञान नहीं रहता।